दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो रियलमी 1 के एक छोटे से प्रॉब्लम के बारे में। मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैब में इसके बारे में पूछा था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं कि नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आज इस वीडियो को बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है छोटा सा प्रॉब्लम, यहाँ पर फेस कोड और यहाँ पर पास कोड का ऑप्शन दिया जाता है। ओप्पो रियलमी 1 में अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में तो आपको फेस एंड पासकोड का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग पैटर्न डालना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पैटर्न डाला हुआ है, तो पैटर्न को आप लोग कैसे डालेंगे? नॉर्मली अगर आप फेस एंड पासकोड में जाएंगे तो फर्स्ट में आपको पासकोड के लिए पूछेगा, पैटर्न के लिए आपको नहीं पूछेगा। तो पैटर्न आप कहाँ से लाएंगे? तो पैटर्न लाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी आप फेस एंड पासकोड में जाएंगे तो मॉडिफाई पासकोड को आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका पासकोड पहले डाल दीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं एंटर न्यू पासकोड का ऑप्शन दिया गया है। एंटर न्यू पासकोड के नीचे आप लोग देख सकते हैं अदर इनक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है। इस अदर इनक्रिप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे देख सकते हैं पैटर्न कोड दिया गया है, 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड दिया गया है, 4 to 16 digit न्यूमेरिक पासकोड दिया गया है और 4 to 16 digit अल्फा न्यूमेरिक पासकोड दिया गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे पैटर्न कोड को चूज़ करना होगा। पैटर्न कोड को चूज़ करने के बाद आप मनचाहा पैटर्न आप डाल सकते हैं यहाँ पे और अपना पैटर्न लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने पैटर्न लॉक को सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे जब मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश करूँगा तो मुझे पैटर्न पूछेगा। तो देख सकते हैं पैटर्न को डालने के बाद ये अनलॉक हो जा रहा है, मुझे पासकोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो मैं आप लोगों को पहले से शुरू से बताता हूँ कैसे करेंगे। फर्स्ट मैं आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपका कोई पासकोड नहीं डाला हुआ है तो फेस एंड पासकोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपका टर्न ऑन पासकोड का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने फेस या फिर पासकोड को डाल दिया है तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा मॉडिफाई पासकोड का। जैसे देख सकते हैं ये डिजेबल है तो इसका ऑप्शन आएगा मॉडिफाई पासकोड का। अगर आप दोबारा से कर रहे हैं, मतलब आपके पास पासकोड है उसके बाद आप पैटर्न डालना चाहते हैं, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पासकोड नहीं है तो टर्न ऑन पासकोड करना है। टर्न ऑन पासकोड कीजिए और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पासकोड का ऑप्शन स्क्रीन आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर डाल के आप पासकोड सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसको सिलेक्ट ना करके अगर आप पैटर्न डालना चाहते तो इसके लिए आपको जाना होगा इस अदर इनक्रिप्शन बटन में। यहाँ पे देख सकते हैं अदर इनक्रिप्शन का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है पैटर्न को। पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद आप अपना मनचाहा पैटर्न डाल के यहाँ पे पैटर्न को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने पैटर्न डाल दिया है और मेरा पैटर्न जो है इनेबल हो गया है। और जब भी मैं अनलॉक करने की कोशिश करूँगा तो मुझे पैटर्न ही फर्स्ट में पूछेगा। और इस पैटर्न को आप ऐप लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐप लॉक में पैटर्न यूज़ करने के लिए आपको पहले जाना होगा सेटिंग्स के अंदर सिक्योरिटी में। फेस एंड पासकोड के नीचे स्मार्ट एंड कन्वीनियंट मिलेगा, उसके नीचे आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप लॉक। ऐप लॉक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अगर आप पासकोड ऑलरेडी डाल चुके हैं तो आपको पासकोड के लिए पूछेगा। तो पासकोड में एक बार घुस जाने के बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ राइट साइड में सेटिंग्स का आइकन दिया गया है, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चेंज वेरिफिकेशन पासकोड का ऑप्शन आता है या फिर मॉडिफाई सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। चेंज वेरिफिकेशन पासकोड को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं अदर इनक्रिप्शन मेथड का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं टर्न ऑफ पासकोड कर सकते हैं। पैटर्न पासकोड का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली पैटर्न पासकोड डालना है। पैटर्न पासकोड डालने के बाद आप यहाँ पे पैटर्न डाल दीजिए और आपके ये जो ऐप लॉक्स थे ऐप लॉक्स में आपको पैटर्न ही पूछेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फेसबुक को खोलने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पैटर्न के लिए पूछेगा, ना कि मुझे पासकोड देने के लिए बोलेगा। तो ऐसे आप अपने ऐप लॉक्स में भी अपने पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आपको पासकोड डालना है अपने फ़ोन में ओप्पो रियलमी 1 में अगर आपने पासकोड डाला है और आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो पासकोड की जगह आप पैटर्न को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोज़ देखना है तो सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड बडी को। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।